अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज जो है वो थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा कि टॉपिक जो है वो मेरा ये है, जो आजकल यूट्यूब पे जो है वो बहुत चल रहा है, यही हसान और शमाइला यूट्यूबर जो हैं उन लोगों के बारे में कि उन लोगों की डाइवोर्स हो चुकी है। और हसान ने जो है वो ख़ुद भी जो है वो इस बात को क्लियर किया है कि जी हम लोगों में अलहदगी हो चुकी है और डाइवोर्स हो चुकी है। तो हम लोगों को इस बात का दुख तो बहुत हुआ है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए था कि माशाल्लाह से उनकी जो है वो 4 से 5 साल की आई थी जो है वो उनकी जो है वो बेटी है। और उन्हें ये डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए था और एक दफ़ा अपनी बेटी की तरफ ज़रूर देखना चाहिए था कि अगर हम लोग मतलब डाइवोर्स ले लेंगे तो उस बेचारी मासूम हमारी जो बेटी है छोटी सी, उसका क्या कसूर है कि हम लोग जो है वो डाइवोर्स ले रहे हैं। और मतलब कि उस बेचारी के लिए जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो कहते हैं कि वो ही फील करेगी कि मेरे जो है माँ बाप ने जो है वो क्यों ये फ़ैसला लिया और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जो है कि मेरा क्या होगा। और खैर, ये उन लोगों का आपस का डिसीजन है, हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन दुख और तकलीफ़ सिर्फ उस बच्ची को देखकर होती है कि उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या कसूर है। और कल को जब वो बड़ी होगी तो वो इस बारे में जब सारी बातें, ये बातें छुपती तो नहीं हैं, बच्चों तक पहुँच ही जाती हैं, और जब उन्हें उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी और क्या फ़ील करेगी। हमें भी बस इसी बात का दुख और तकलीफ़ है कि वो जो फ़ील करेगी वो अभी हमें फ़ील हो रहा है कि उसको कितना बुरा लगेगा। तो है, ये उन लोगों की अपना डिसीजन है, अपनी मर्ज़ी है। जाहिर बात है हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, कोई भी किसी के बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकता या कोई भी बात नहीं कर सकता। अब बीच की वजह हम लोगों में से किसी को नहीं पता और ना हम इस बारे में कोई डिस्कस करना चाहते हैं कि ये किस वजह से हुआ और क्यों हुआ। लेकिन खैर, दुख और तकलीफ़ तो हमें हुई, वो इस वजह से हुई कि उस बच्ची को देख के कि उस बेचारी का क्या कसूर था और उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा जब वो बड़ी होगी और उसे क्या क्या इस बारे में सुनना पड़ेगा। तो खैर, जो है कल परसों की मैंने वीडियो हसान की देखी थी और उन्होंने जो है वो मतलब बताया है उसमें कि यानी कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं और उन्हें कितना टाइम हो चुका है कि वो, यानी उसको अभी हफ्ता ही हुआ है और जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू हो गए हैं। और ज़ाहिर बात है माँ बाप का जो है वो में से एक भी कोई ना हो, अगर माँ ना हो या बाप ना हो तो बच्चे जो है वो बच्चे भी फील करते हैं। और अगर ऐसे अलहदगी हो जाए तो अगर बच्ची माँ के पास है तो बाप को फ़ील होता है और मिस करते हैं, और अगर बाप के पास है तो माँ नहीं रह सकती। तो आप लोग जो है प्लीज़ ये डिसीजन लेने से पहले जो है वो प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लिया करें कि हमारे बच्चों का क्या हो। और ऐसा फ़ैसला लेने के बाद जो है वो माँ भी जो है वो मतलब आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाती है और बाप भी बढ़ जाता है। और लेकिन जो फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स और इश्यूज़, वो बच्चों को ही करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ जो है वो ऐसा फ़ैसला लेने से पहले सोच लिया करें। लेकिन खैर, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही, मैं इस सारी दुनिया के लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ कि मतलब कोई भी अगर ऐसा फ़ैसला ले तो प्लीज़ उससे पहले जो है वो अपने बच्चों की तरफ़ देख लिया करें और उनके बारे में सोच लिया करें कि उन बेचारे बच्चों का क्या कसूर है, जो क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आगे उन्हीं को फ़ेस करनी है। जिन्हें मतलब 3 से 4 साल का बच्चा हो या 1 माह का बच्चा हो, 2 माह का बच्चा हो, लेकिन फेस तो सबको करना है, सब बच्चों को करना है। तो उन्हें जो है वो उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या फैसला कर रहे हैं। लेकिन फेस उन्हें तब करना पड़ता है जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा फ़ैसला करने से पहले प्लीज़ आप लोग सोच लें, कोई भी हो। सिर्फ शमाइला और हसाम की बात हम नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन जिसको कहते हैं वो है, क्योंकि जारी बात है इस बारे में जो है वो बहुत से लोगों ने जो है कहा कि भाई शमाइला का कसूर है,
और कुछ कहते हैं कि हसाम का कसूर है, भी किसी का भी कसूर हो, लेकिन मतलब हम लोग ये नहीं डिस्कस कर सक डिसाइड कर सकते कि जो है कसूर किसका है, क्योंकि हमें नहीं पता बीच की बात कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ भी था, कोई भी मामला था, लेकिन बाद में फेस तो बच्चों को ही करना पड़ता है। तो प्लीज़ जो है वो कोई भी जो है वो ऐसा फैसला करने से पहले अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लें कि उन्हें आने वाली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो प्लीज़ फैसला लेने से पहले जो है वो अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लिया करें। और बाकी ये है कि जो क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग था जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मैं आज या कल और मैं पोस्ट लगा दूंगी, और आप लोगों ने जो है हमारी लाइफ के बारे में, हमारे बारे में, किसी भी मीरप के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं तो वो मैं पोस्ट लगा दूंगी, तो आपने उसके नीचे जो है वो क्वेश्चन लिख देने हैं। और तकरीबन 5 to 6 डेज़ के बाद, यानी 5 to 6 डेज़ के लिए मैंने पोस्ट लगाती रहूँगी, बार बार लगाती रहूँगी, और जो लगी है उसके नीचे भी आप लोगों ने अगर एक पे ज़्यादा कमेंट्स ना आए तो मैं और दफ़ा भी लगाती रहूँगी। तो इतने दिन का टाइम है आप लोगों के पास, आपने जो क्वेश्चन करने हैं आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लीजिएगा, और वो इंशाल्लाह से जिस दिन भी साकिब फ्री होंगे तो मैं उनके साथ वो क्वेश्चंस के आंसर आपकी वीडियो में आपको दे दूँगी। तो आप उसके नीचे ज़रूर कमेंट जो है वो कीजिएगा, और दूसरे हम लोगों से क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी आपके दिल में हो, मन में हो, पूछना हो तो आपने ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बस इतना सा आपको कहना था, और आज की वीडियो भी मेरी छोटी सी थी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और आपने जो है मेरी बात को जो है वो मतलब अच्छे सेंस में लिया होगा। तो जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो मैंने राय दी है डाइवोर्स के बारे में, और इस टॉपिक मतलब शुमाइला और हसाम के बारे में, और बाकी लोगों के बारे में भी, तो वो क्या सही है या गलत है, जो भी आपके जहन में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह आप सबको लोगों को अपनी जुमान में रखे, अल्लाह आप लोगों को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और मेरे लिए, मीरप के लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह से अगेन से नई वीडियो और व्लॉग के साथ आपके साथ आती हूँ इंशाल्लाह अगेन से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।